रामू और गोपाल अपना बैग लेकर जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। काफी देर तक दौड़ने के बाद वे थक जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। हाँ रामू, मैं भी अब और नहीं दौड़ सकता। चलो यही कहीं छिप जाते हैं। जब वे इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें जूते के आकार का एक घर कुछ ही दूरी पर दिखाई देता है। दोनों उस जूता नुमा घर को आश्चर्य से देखते हैं। जूते के आकार में वो घर कुछ अलग है, चलो वहां चलते हैं। वे डरते डरते उस घर में पहुंच जाते हैं। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो अचानक बड़ा तेज अट्टाहा सुनाई देता है। और दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। तुम कौन हो? तुम हमें क्यों डरा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। मैं हूँ, अब बताओ तुम कौन हो? मेरे घर में घुसकर क्या तुम मुझे ही सामने आने का हुक्म दे रहे हो? तुम्हारे इन बोरों में क्या है? वे चुड़ैल को देखकर कांप जाते हैं। मुझे सच बताओ। वे बोरों को खोलते हैं, वे पैसों से भरे हुए थे। चुड़ैल को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तो तुम दोनों चोर हो? क्या तुम्हारे पास किसी की गाड़ी कमाई को चुराने का कोई उद्देश्य था? क्या तुम्हें लगता है कि ये करना सही है? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अच्छा होगा अगर तुम दोनों मर जाओगे, फिर बहुत से लोग चैन की नींद सोएंगे। एक मिनट, हमारी बात तो सुन लो। हम चोर नहीं है, हमने अपने गांव के लोगों के फायदे के लिए ऐसा किया है। हम पास के गांव से हैं, उस गांव में किशोर नाम का एक धनी व्यक्ति रहता है। वो प्रॉमिसरी नोटों के एवज में जरूरतमंदों को पैसे उधार देता है और फिर वो कर्जदारों से बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता है। किशोर अधिक पैसे ऐंठने के लिए गलत हिसाब करता है और उन्हें मुश्किल में डालता है। अगर कोई सवाल करता है तो वो अगले दिन जिंदा नहीं पाया जाता। किशोर से ग्रामीणों को बचाने के लिए हम उन प्रॉमिसरी दस्तावेजों को चोरी करने के लिए उसके घर में घुसे थे, लेकिन हमें वो कागज नहीं मिले और बदले में ये पैसे मिल गए। हमने किशोर को कंगाल बनाने की सोचकर सारा पैसा बोरों में पैक कर लिया। जैसे ही बाहर आ रहे थे उस अमीर आदमी किशोर और उसके आदमी ने हमारा पीछा किया। उनकी बात सुनकर चुड़ैल को उन पर यकीन हो गया। हमने जो किया वो गलत नहीं है बल्कि सही है। हम इन पैसों को ग्रामीणों में बांट देंगे। हमने किशोर को उसके गलत काम की सजा देने के लिए ऐसा किया जिसने गांव में कई लोगों की जान ली है। तब ये ठीक है, मैं अच्छे लोगों के हमेशा मदद करती हूँ। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। भूत की सलाह सुनकर गोपाल और रामू अपने गाँव लौटने लगते हैं। किशोर और उसके आदमी गोपाल और रामू को ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है। किस तरह के आदमी हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि पैसे के लिए दूसरों को तड़पाना और उन्हें मारना गलत है? दया करो, हमें कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें एक झटके में मार डालूंगी। चुड़ैल किशोर और उसके आदमी को मार डालती है। गोपाल और रामू उस चुड़ैल का धन्यवाद करते हैं और अपने गांव लौट जाते हैं। अगले दिन जो कुछ हुआ वे गांव वालों को सब बताते हैं और गांव वालों के बीच समान रूप से पूरा धन बांट देते हैं। कृष्णापुर गांव में सिद्धू नाम का एक लड़का रहा करता था जिसे गांव वाले उसकी मासूमियत के लिए बड़ा तंग किया करते थे। सिद्धू कितना बड़ा वाला बेवकूफ है रे तू। इस गांव के लोगों को आसपास की जगहों तक पहुंचने के लिए नाव से यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती थी और इन नावों का रखरखाव करने वाला रामैया नाम का आदमी था।
एक दिन सिद्धू नदी के पास गया और रामैया से कहा, रामैया दादा, मुझे नदी के पार गांव जाना है, जरा मुझे अपनी नाव में ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस गांव के एकमात्र लड़के हो जो मुझसे इज्जत के साथ बात करते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सिद्धू, आ जाओ, नाव में चढ़ जाओ। सिद्धू हाँ कहकर नाव में बैठ जाता है। तभी नाव में गांव के दो और लोग भी आकर सवार हो जाते हैं। नाव आगे बढ़ती है। अरे पगले सिद्धू, पता भी है कहाँ जा रहा है? सिद्धू को पागल क्यों बुला रहे हो? तुम लोगों से वो हमेशा अच्छे से ही बात करता है ना? अरे रमैया, चुपचाप अपनी नाव चलाओ, बीच में पड़कर क्यों अपना बोरिया बिस्तर इस गांव से उठवाना चाहते हो तुम? तब रामैया उनसे कुछ भी कहना बंद कर देता है। सिद्धू, जानते हो ये नदी कितनी गहरी है? नहीं, मुझे तैरना भी नहीं आता। जब तक पानी में कूदोगे नहीं, तैरना कैसे आएगा? और वो सिद्धू को पानी में धकेल देता है। बचाओ, बचाओ, मदद करो, मदद, मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। रामैया तुरंत पानी में कूद जाता है और सिद्धू को बचा लेता है। ये सब होता देख वो दो लोग हंस पड़ते हैं। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंचती है, वे दोनों लोग नीचे उतरकर चले जाते हैं। सिद्धू डरा होता है और रोने लगता है। रामैया उसकी हिम्मत बंधाता है और उसे चुप कराता है। अगले दिन सिद्धू ने अपनी माँ से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। माँ, लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं और मुझे धमकाते क्यों हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? बोलो माँ। पागल तुम नहीं बल्कि वे खुद हैं बेटे। तुमने मुझसे किसी दिन महान बनने का वादा किया था ना, वो समय अब आ गया है। तुमको खुद को साबित कैसे करना है इसके बारे में सोचो। जो लोग आज तुमको धमकाते हैं, वो तुम्हें कामयाब देखकर चिल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। माँ सिद्धू को जीवन का सामना करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती रहती है। तभी उसे एक बहुत ही नायाब ख्याल आता है। वो अपनी बाइक को इस तरह बदलने का फैसला करता है जो पानी में भी चल सके। फिर वो उस पर दिन रात काम करना शुरू कर देता है और आखिर में एक ऐसी बाइक तैयार करता है जो पानी पर तैर सके। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। लोग बाइक बनाने के लिए सिद्धू की तारीफ करने लगते हैं। सिद्धू को तंग करने वाले लोग भी ऐसा होते देख रहे थे। तब रामैया ने कहा, अब बताओ साहब, कौन है बुद्धिमान और किसने मूर्ख की तरह काम किया था? देखो, तुमने जिसका मखौल बनाया था, आज कैसे गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। सिद्धू के प्रति अपनी हरकतों से वो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सिद्धू अपनी बाइक पर गांव लौटता है। हमें हमारे बुरे बर्ताव के लिए क्षमा कर दो, हम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सिद्धू ने उन्हें माफ कर दिया। उसके काम की खबर आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। लोग उसे वैज्ञानिक सिद्धू कहने लगते हैं और वो बहुत खुश होता है। ये सब देखकर उसकी माँ सुकून महसूस करती है। अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम ऐसी एक और कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। बाय बाय।